हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो लोग हुए थे उनके पद चिन्ह कहाँ कहाँ पड़े, या उन्होंने हमें क्या क्या बताया, क्या क्या सिखाया है, उनके निशानों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। अर्लीस्ट पीपल, सबसे पुराने लोग, और वो हमेशा मूवमेंट पे क्यों रहते थे, ये हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोग जो हैं वो लगभग 2 मिलियन ईयर से पहले भी रह रहे थे, और हम उन्हें हंटर्स और गैदरर्स के रूप में जानते हैं। ये जो नाम उन्हें दिए गए हैं वो उस प्रकार से दिए गए हैं कि वो लोग भोजन किस प्रकार से प्राप्त किया करते थे। साधारणतः अगर हम लोग बात करें तो वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, अपने फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स, इनको वो लोग गैदर यानी कलेक्ट किया करते थे, इसलिए उन्हें हंटर्स और गैदरर्स कहा गया है। बहुत सारी अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो भी इस ट्रॉपिकल लैंड में हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स जो हैं वो हमें देखने को जो मिल रहे हैं उसका ये कारण है कि इनसे ये लोग भोजन प्राप्त किया करते थे। इनमें से कोई भी काम आसान नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे जानवर ऐसे थे जो मानव से तेज दौड़ा करते थे और उससे बहुत अधिक ताकतवर हुआ करते थे। किसी जानवर का शिकार करना, मछली या पक्षी को पकड़ना, इसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट, क्विक और अपने दिमाग को बहुत अधिक तेज करना होता था, और इन सब चीजों के बाद में ही वो आसानी से अपने काम को कर सकते थे। प्लांट्स का जो प्रोड्यूस है, प्लांट से मिलने वाली जो चीजें हैं उनको कलेक्ट करना, ये भी आसान नहीं था। प्लांट्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो एडिबल, जिसे हम लोग खा सकते हैं, और ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे हमें छोड़ना है, क्योंकि प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पॉइजनस यानी जहरीले भी हो सकते थे। इनके बारे में हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे पता लगाया कि कौन सी सीजन है जिसमें फ्रूट्स पक जाते हैं और कब हम इन्हें खा सकते हैं। लगभग 4 ऐसे कारण हैं जिनके कारण हंटर्स और गैदरर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। पहला कारण ये है कि वो किसी भी एक स्थान पे लंबे समय के लिए रुकते नहीं थे। अगर वहां रुकते थे तो वहां पे जितने भी अवेलेबल प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो क्या करते थे, कुछ समय बाद में नए जगह पे भोजन की तलाश में चले जाया करते थे। दूसरा कारण ये है उनका एक जगह से दूसरी जगह जाने का, जानवर जो है वो हमेशा शिकार की तलाश में रहते थे। डियर, वाइल्ड कैटल और वो ग्रास और लीव्स, इनकी तलाश में भी रहते थे। इसी कारण से जब जानवर अलग अलग जगह चले जाते थे तो उन्हें भी जानवर के मूवमेंट्स को फॉलो करना पड़ता था और उनके पीछे पीछे जाना होता था। तीसरा कारण ये है कि प्लांट्स और ट्रीज जो है वो अलग अलग सीजन्स में फ्रूट्स दिया करते थे, इसलिए अलग अलग सीजन्स में अलग अलग इलाकों में उन्हें मूव करना पड़ता था जहां पे उन्हें आसानी से भोजन या फ्रूट्स मिल सके। और चौथा कारण हमारा ये हुआ कि लोग, प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें सरवाइव करने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। वाटर जो कि लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में मिलता था, उनके जो सोर्सेज हैं अगर उनमें किसी प्रकार की कमी होती थी तो उन्हें ऐसी जगह जाना पड़ता था जहां पे पानी अधिक हो। बहुत सारे रिवर्स और लेक्स पेरेनियल थे जो कि पूरे साल पानी से लबालब रहते थे, इसलिए ऐसी जगह पे वो बार बार जाना पसंद करते थे। लोग जो कि इन वाटर सोर्सेस के किनारों पे रहते थे, उन्हें ड्राई सीजन जैसे कि विंटर और समर में यहाँ पे अपने स्थानों को बदलना पड़ता था, और उसी के साथ साथ में लोग अक्सर अपने दोस्त और रिलेटिव से मिलने भी यहाँ वहां ट्रेवल किया करते थे। आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि वो हमेशा फुट पे ट्रेवल यानी पैदल चला करते थे, उनके पास कोई साधन नहीं हुआ करता था।
हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पुराने लोगों की चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। उन्होंने इन हंटर और गैदर्स के बारे में कुछ चीजों को पाया है, जैसे कि ये जो लोग हैं वो अपने टूल्स जो बनाते थे वो स्टोन, वुड या बोन, इनसे बनाते थे, और इनमें से स्टोन के जो टूल्स हैं वो अभी भी सरवाइव करते हैं। और इनमें से कुछ स्टोन टूल्स ऐसे हैं जिन्हें वो मीट को काटने के लिए, बोन्स को काटने के लिए, या पेड़ की बार्क को हटाने के लिए, छीनने के लिए, या एनिमल की जो हाइड या स्किन होती है उसको हटाने के लिए, या फ्रूट्स और रूट्स को चॉप या काटने के लिए काम में लिया करते थे। और इनमें से कुछ के हैंडल्स जो कि बोन या वुड के बने हुए होते थे वो भी हैं। और इसी के साथ साथ में स्पेयर्स, एरोज जो कि हंटिंग में इन्हें काम आते थे वो भी मिले हैं। और इसी के अलावा जो अन्य जो टूल्स मिले हैं उनको वुड्स को चॉप करने के लिए, काटने के लिए, जिन्हें फायरवुड के रूप में काम में लिया जाता है, वो भी यहाँ पे टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। वुड जो है वो हट्स को बनाने के लिए और टूल्स को बनाने के लिए काम में ली जाती थी। किस प्रकार से वो एक प्लेस को चुनते थे कि यहाँ हमें रहना है, इस मैप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रेड ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। रेड ट्राइंगल्स उन साइट्स को बताते हैं जिन्हें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा पाया है कि यहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स रहते थे। हंटर्स और गैदरर्स वास्तव में इनसे अधिक जगह पे रहते थे। उनमें से कुछ विशेष जगहों को हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट किया है। बहुत सारे ऐसी साइट्स थी जो पानी के जो सोर्सेज हैं, रिवर्स या लेक्स, उनके पास होते थे। और इन लोगों के लिए स्टोन टूल्स, जैसा कि आपको बताया गया, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होते थे। तो लोगों ने ऐसे स्थान को ढूंढने का प्रयास किया जहाँ पे अच्छी मात्रा में स्टोन मिल सके और वो अपने स्टोन से हथियार बना सके। और बहुत सारे ऐसी जगह भी थी जिन्हें फैक्ट्री साइट्स कहा गया, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में टूल्स बनते थे। यहाँ पे इस मैप के अंदर आप आसानी से दो स्थान देख सकते हैं, हंसगी और कर्नूल केव्स। यहाँ पे ये रेड ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हंटर्स और गैदर्स हमारे रहा करते थे। इन फैक्ट्रीज के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं कि ये फैक्ट्रीज कैसी थी? वास्तव में हम लोगों को स्टोन्स के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिले हैं और वहां पे टूल्स हैं वो भी मिले हैं। ऐसे टूल्स भी वहां पे मिले हैं जो डिस्कार्डेड यानी बेकार हैं, जो परफेक्ट नहीं है, और स्टोन्स की बची हुई चिप्स मिली हुई है जो काम की नहीं रही होगी, वो इन बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, गुफाओं के आसपास मिले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्टोन फैक्ट्रीज रही होगी। कई बार ये जो लोग हैं यहाँ पे काफी लंबे समय तक के लिए रहे होंगे और इसी कारण से इन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहा गया होगा। इसका मतलब फैक्ट्री भी ये रही और यहाँ पे हैबिटेशन, लोगों का रहन सहन का भी यहाँ पे काम हुआ करता था। स्टोन टूल्स को किस प्रकार से बनाया करते थे? स्टोन टूल्स जो थे वो मुख्यतः दो टेक्निक से बनाया जाते थे। पहला टेक्निक है एक स्टोन से दूसरे स्टोन को तैयार करना। यहाँ पे पैबल, पैबल का मतलब होता है छोटे पत्थर, जिसे टूल के रूप में काम में लिया जाता है, जिसको हम लोग कोर कहते हैं, उसे एक हाथ में लिया जाता है, और दूसरे स्टोन जिसे कि हम लोग हैमर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, उसे हैमर के रूप में काम में ले रहे हैं, और दूसरे वाला स्टोन जो कि हमारा हैमर है उससे धीरे धीरे जो स्टोन है उसके फ्लैक्स, उसके जो टुकड़े हैं वो अलग किए जाते हैं, तब तक जब तक कि हमें हमारे जिस प्रकार का जो पत्थर चाहिए वो तैयार नहीं हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस व्यक्ति ने सर्कुलर ये पत्थर तैयार किया है, एक व्हील जैसा तैयार किया है, और चारों तरफ से इसके धीरे धीरे उन्होंने टुकड़े को काट लिया है। और दूसरा जो तरीका है वो है प्रेशर फ्लैकिंग। यहाँ पे क्या होता है, कोर जो है, कोर वाला जो हमारा स्टोन है उसको एक मजबूत जगह रखा जाता था, फिर उसके बाद में हैमर के साथ में बोन या स्टोन का पीस है वो उस पर रखा जाता था, और धीरे धीरे इसके जो फ्लेक्स हैं, एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, वो निकाले जाते थे, फिर इसे वास्तव में जैसा चाहिए वैसा वो आकार दे दिया करते थे। फायर के बारे में कैसे पता लगा? कर्नूल केव्स जो कि हमने मैप में पीछे देखी थी, यहाँ पे ऐश के जो रिमेनिंग्स है वो ट्रेसेज जो है वो हमें मिले हैं, इससे ये पता लगता है कि इन लोगों को फायर के बारे में पता था। फायर को ये लोग कई तरीके से काम में लेते होंगे। ये एक लाइट का सोर्स रहा होगा, भोजन को बनाने का साधन रहा होगा, और जानवरों को डराने का भी एक साधन
रहा होगा। आज हम लोग फायर को क्या काम में लेते हैं, हमारे बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन उस समय लिमिटेड फायर के यूज हुआ करते थे। और एनवायरनमेंट किस प्रकार से यहाँ बदल रहा था, लगभग 12,000 ईयर्स एगो की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट में बहुत अधिक बदलाव आया। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। और धीरे धीरे जो कंडीशंस है वो थोड़ी वार्म होती गई। बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ। डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, ये जो है ये भी इस ग्रास के कारण से सरवाइव कर पाए। जो कि हंटर्स थे वो अब इन्हें फॉलो करने लग गए। अब उन्हें पता लग गया कि इनकी फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग सीजन जो है वो इस प्रकार से होती है। और इसी कारण से लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हम लोग एक नए काम पे फोकस कर सकते हैं। और वो काम हमारा था हर्डिंग और रियरिंग, मतलब जानवरों के झुंड बना लेना और उनको पालना ताकि ये हमारे काम आ सके। और यहाँ पे फिशिंग जो था वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बन गया था। एक ऐसा भी समय आया जहाँ पे कई प्रकार के ग्रेन बियरिंग ग्रासेज थे। इसका मतलब ये था ऐसी घासें थी जिसमें अलग अलग प्रकार के अनाज लगते थे, जैसा कि आज हम लोग देख सकते हैं। पहले के लोग इसे घास कहा करते थे, आज हम इसे अनाज कहते हैं। इससे वीट, बार्ले, राइस और हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें ये देखने को मिलते हैं। लोग उनके परिवार के अन्य सदस्य और बच्चे वो इन्हें इकट्ठा करते थे अनाज के रूप में, और धीरे धीरे उन्हें उगाना और पक जाने पे तोड़ लेना उन्होंने सीख लिया। इसके कारण से धीरे धीरे उनका जो लाइफ है वो इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होने लगा। नेम्स और डेट्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हमारे को बड़े बड़े नाम दे दिए स्टडी करने के लिए। उन्होंने सबसे पहला जो पीरियड है उसको पैलियोलिथिक कहा है। एक्चुअली ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है पैलियो, इसका मतलब है ओल्ड, और दूसरा है लिथोस, जिसका मतलब है स्टोन। इन दोनों वर्ड्स को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या हो गया, ओल्ड स्टोन एज। यहाँ पे एक बात हमें हमारे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे स्टोन टूल्स जो मिले हैं उसके कारण से इस एज को स्टोन एज भी कहा गया है। और यहाँ स्टोन टूल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है। पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो लगभग 2 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स एगो तक ये रहा था। ये एक बहुत लंबा समय है। और इसको भी तीन टुकड़ों में हम लोग बांट सकते हैं, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज। इतना लंबा समय है, ह्यूमन हिस्ट्री का 99% हिस्सा ये कवर करता है। ये एक ऐसा समय था जब हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा था। और लगभग 12,000 या 10,000 ईयर्स एगो की हम लोग बात करें तो उस समय मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टोन टूल्स जो है वो धीरे धीरे टाइनी, छोटे और माइक्रोलिथ्स में बदलने लगे। माइक्रोलिथ्स जो थे उसमें बोन या वुड के जो हैंडल्स वगैरह हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सॉज और सिकल्स में। और इसी के साथ साथ में अलग अलग प्रकार के टूल्स जो हैं वो वहां पे यूज में हमें देखने को मिले। रॉक पेंटिंग्स और इनके बारे में हमें इनसे क्या जानकारी मिलती है, बहुत सारी ऐसी केव्स मिली है जहाँ पे अर्ली पीपल ने पेंटिंग्स बनाई थी। और उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश के। ये पेंटिंग्स हमें दिखाती है वाइल्ड एनिमल्स जो कि बहुत ही शानदार एक्यूरेसी और स्किल के द्वारा बनाई गई है। कौन क्या करता था, हमने देखा कि अर्लीस्ट पीपल जो है वो हंटर्स थे, गैदरस थे, साथ ही साथ प्लांट को प्रोड्यूस किया करते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे, केव वॉल्स पे पेंटिंग भी किया करते थे। क्या कोई अन्य भी जरिया था जिसके द्वारा हम लोग जान सकें कि महिलाएं हंटिंग करती थी, मैन स्टोन टूल्स बनाते थे और ये महिलाएं या मैन पेंटिंग करते थे या फ्रूट्स या नट्स कलेक्ट करते थे। आज के समय में वास्तव में हम इसे नहीं जान सकते। दो संभावनाएं हो सकती हैं, शायद मैन और वुमेन दोनों ये काम करते होंगे, या ऐसा हो सकता है मैन एक काम करता होगा और वुमेन दूसरे काम करती होंगी। इसमें कई प्रकार की संभावनाएं यहाँ देखने को मिलती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रैक्टिसेज भी चल रही होंगी। हुंसगी के बारे में अधिक जान लेते हैं। आपने मैप 2 में हुंसगी देखा था। यहाँ पे बहुत सारी पैलियोलिथिक साइट्स जो है वो पाई गई है, और कई साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में टूल्स
जो कि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में काम में लिए जाते थे वो मिले हैं, और ये शायद हैबिटेशन कम प्रैक्टिस साइट से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं, और इनमें से ऐसे टूल्स भी हैं जिनसे अन्य टूल्स बनाए जाते थे, और कुछ साइट्स ऐसी हैं जो स्प्रिंग्स से काफी नजदीक हैं, और इनमें जो अधिकतम टूल्स बनाए गए वो लाइमस्टोन के थे जो आसानी से अवेलेबल वहां पे था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य चैप्टर साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।